अब कहाँ आ गया मैं? ये दादाजी का गांव तो कहीं से नहीं लग रहा है। कहाँ भेज दिया इस राक्षस ने? मुझे तो इस राक्षस पे पहले से ही शक था। कौन सी दिशा जाऊं? सब जगह एक सा दिख रहा है। ऐसा ही हाल हो जाएगा मेरा अगर मैं रुक गया तो। हड्डियां ही बचेंगी मेरी। दादाजी की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। पता नहीं था मेरी गर्मियों की छुट्टियां इतनी गर्मी में बीतेंगी। अरे ये कैसा जला भुंजा गिरगिट है और कितना बड़ा भी है। देख भाग जा, बहुत मारूंगा। नहीं मानेगा तो ये ले। धूप तो और ज़्यादा तेज हो गई है। खूब पसीना भी बह रहा है। थोड़ा बहुत कहीं से पानी मिल जाता तो रास्ता आसान हो जाता। अरे वाह, मुझे तो पानी का खजाना मिल गया। इससे मेरी पूरी प्यास बुझ जाएगी। अब तो मैं इस तालाब को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अरे नहीं, ये तो मृग मरीच का था, यानी आँखों का भ्रम। ये तो सूखा पड़ा है यहाँ। अरे ये क्या हरी घास? इतनी गर्मी में ये कहाँ से उग गई? हरी घास यानी इसकी जड़ों में पानी होना चाहिए। खोद के देखता हूँ। थोड़े से पानी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। और मैं घर पर नल खुला छोड़ दिया करता था। करता रहे सवल, थोड़ी मेहनत और पानी जरूर मिलेगा। मिल गया पानी। कितना स्वादिष्ट है। अच्छी प्यास बुझ गई मेरी। अब समझ में आया पानी कितना जरूरी है। अब से मैं पानी को वेस्ट नहीं बहाऊंगा। अरे अरे ये क्या, रेगिस्तान ऊपर जा रहा है क्या? मैं नीचे जा रहा हूँ। अरे ये तो रेत की दलदल है। जितना ही मैं हिलूँगा उतना ही मैं धंसता जाऊँगा। कुछ करना पड़ेगा। हाँ, ये लकड़ी का लट्ठा पकड़ लेता हूँ। लो ये भी आ गया टाइम पर नाश्ते की तलाश में। मैंने टीवी में देखा था किसी भी दलदल में पैरों को बिना हिलाए रस्सी या लकड़ी की सहायता से बाहर निकला जा सकता है। बस हमें हार नहीं माननी चाहिए। हाँ निकल गया। इस गिद्ध को लग रहा था आज मैं इसका नाश्ता बन ही जाऊँगा। और कितना चलना पड़ेगा? इस तरफ तो दूर दूर तक कुछ नहीं है सिवाय सूखे पेड़ के। चलो देखता हूँ। अरे ये सूखा पेड़ बात कैसे कर रहा है? क्यों को मत सवल, यहाँ जानवर से लेके पत्थर भी बात करते हैं। तुम यहाँ उस जादू तस्वीर के कारण आकर फंस गए हो। तुम्हें अगर यहाँ से निकलना है तो वो रास्ता मैं ही बता सकता हूँ। फिर से ये मुझसे पहले न पूछने लगे। तुम एकदम सही सोच रही हो। यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। वो तो मैं जानता था पेड़ राक्षस। पूछो पहली। तुमने अगर इस सवाल का जवाब एकदम ठीक ठीक दिया तो मैं इस दुनिया से जाने के लिए रास्ता बता दूंगा, नहीं तो इस दुनिया में फंसे रह जाओगे। तो सुनो सवल इस दुनिया की पहेली ध्यान से।
कोई घना जंगल है। उस जंगल में एक नदी बहती है जहाँ पर सभी तरह के जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए वहाँ आया करते थे। उन्हीं में से कुछ कबूतरों का झुंड वहाँ आता था और अपनी प्यास बुझाते थे। एक दिन नदी किनारे लगे हुए किन्हीं दो पेड़ों पर बहुत से कबूतर बैठे हुए थे। तभी एक पेड़ पर बैठे कबूतर ने दूसरे पेड़ पर बैठे कबूतर से बोला, अरे भाई, अगर तुम्हारे पेड़ पर बैठा हुआ एक कबूतर अगर इस पेड़ पर आकर बैठ जाए तो हमारे पेड़ के कबूतरों की संख्या तुम्हारे से डबल हो जाएगी, और अगर भाई तुम्हारे पेड़ का एक कबूतर हमारे पेड़ पर आकर बैठ जाए तो दोनों पेड़ पर बैठे कबूतरों की संख्या बराबर हो जाएगी। तो भाई क्या कहते हो? तो बताइए, दोनों पेड़ पर कितने कितने कबूतर बैठे हुए हैं? बताओ, दोनों पेड़ पर कितने कितने कबूतर बैठे हुए हैं? इसका उत्तर क्या बताऊं? ये गणित तो मेरा इस दुनिया में भी पीछा नहीं छोड़ रही है। गणित में तो मुझे हमेशा कबूतर के अंडे ही मिलते थे और आज कबूतर का ही सवाल पूछ लिया। अगर मैंने इसका उत्तर सही दिया तो तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे और आगे का रास्ता बताओगे? उत्तर सही दोगे तो जाने दूंगा। तो सुनो पेड़ राक्षस, पहले पेड़ का कबूतर दूसरे पेड़ के कबूतर से कहता है, तुम्हारे यहाँ का एक कबूतर हमारे पेड़ पर आकर बैठ जाए तो हमारे पेड़ के कबूतरों की संख्या तुम्हारे पेड़ के कबूतरों से डबल हो जाएगी। यानी पहले पेड़ पर 7 कबूतर हैं और दूसरे पेड़ पर 5 कबूतर हैं, क्योंकि जब दूसरे पेड़ का कबूतर पहले पेड़ पर आएगा तो दूसरे पेड़ पर 4 रह जाएंगे और पहले पेड़ पर 8 हो जाएंगे, यानी कि डबल हो जाएंगे। पहले 5 और 7 थे, बाद में 4 और 8 हो जाते हैं, यानी डबल हो जाते हैं। फिर दूसरी तरफ से देखा जाए तो एक और जाएगा तो 6 और 6 हो जाएंगे, यानी कि बराबर हो जाएंगे। यानी पहले पेड़ पर 7 रहेंगे और दूसरे पेड़ पर 5 रहेंगे। क्या मेरा उत्तर सही है? हाँ, तुम्हारा उत्तर एकदम सही है। अब तुम जा सकते हो, ये लो रास्ता। दादाजी के गांव आना बेकार नहीं रहा, हमेशा मैं वहां आकर कबूतर ही तो गिनता था। अरे नहीं, इस राक्षस ने भी मुझे गलत रास्ता बता दिया। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।